राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि वालों की कि 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति गुरु वक्री होने जा रहे हैं, तो सिंह राशि सिंह लगन वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए ये विशेष वीडियो है। सबसे पहले वक्री का रेट्रोग्रेड का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन के बगल वाले ट्रैक पर एक ही दिशा में एक ट्रेन और जा रही है, और आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन ने उस बगल वाली ट्रेन को ओवरटेक कर लिया, आगे निकल गई वो। तो जब आप खिड़की से उस बगल वाली ट्रेन को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। वास्तव में वो ट्रेन भी बढ़ तो आगे ही रही है, लेकिन उसकी गति आपकी जो ट्रेन है उससे कम है। इस वजह से ऐसा आभास होता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। इसी तरह घरों में गति के अंतर की वजह से ही वक्रत्व उत्पन्न होता है। देखिए, जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके घूमने की गति, स्पीड और उनकी जो सूर्य से दूरी है वो अलग अलग होती है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसलिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि कोई ग्रह विपरीत दिशा में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। इसे ही वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। ये एक आभासी अवस्था होती है। वास्तव में वक्री ग्रह भी बढ़ तो आगे ही रहा होता है, लेकिन सिर्फ लगता है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है। ज्योतिष में सभी ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी तक दूर जा सकते हैं। उस अधिकतम दूरी तक जाकर वो ग्रह वक्री हो जाता है। उस अधिकतम दूरी से कोई भी ग्रह आगे नहीं जा सकता। जैसे बुध ग्रह सूर्य से अधिकतम 24 डिग्री तक दूर जा सकता है, शुक्र ग्रह सूर्य से अधिकतम 48 डिग्री तक दूर जा सकता है। इसलिए जब भी आप कुंडली में देखेंगे तो जैसे एक राशि एक भाव 30 डिग्री का होता है, तो बुध हमेशा या तो सूर्य के साथ होते हैं या एक भाव आगे पीछे होते हैं। इसी तरह शुक्र या तो सूर्य के साथ होते हैं या दो भाव ही आगे पीछे होते हैं। इसी तरह मंगल, बृहस्पति, शनि भी सूर्य से कभी कभी पांचवें, छठे या फिर सातवें भाव में जाकर वक्री हो जाते हैं। थोड़ा ठहरते हैं, पीछे चलते प्रतीत होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह मार्गी ग्रह की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है, चेष्टा बल होता है उसके पास। वक्री ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा मजबूती से दिखाता है। शुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और शुभ हो जाता है, अशुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो वो और ज्यादा अशुभ हो जाता है। लेकिन वक्री ग्रह का फल सीधा नहीं मिलता। वक्री ग्रह रेट्रोस्पेक्शन, रीथिंकिंग, पुनर्अवलोकन करने के लिए कहता है। मतलब वो कहता है कि मंजिल की तरफ सिर्फ बढ़ना ही नहीं है, वो जो रास्ता आपने अपनाया है मंजिल को पाने के लिए वो ठीक है या नहीं, थोड़ा रुक कर उसको जज कर लो कि वो रास्ता ठीक है, कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे। इसमें आपका फायदा ही होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रीथिंकिंग, रेट्रोस्पेक्शन, पुनर्अवलोकन नहीं करते हैं, तो वक्री ग्रह कभी कभी बहुत ही अनियंत्रित फल भी देता है, जिससे परेशानी होती है। रेट्रो प्लेनेट कैन प्रोड्यूस वेरी इरेटिक एक्शंस। अब 4 सितंबर 2023 को सबसे शुभ ग्रह, मोस्ट नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट बृहस्पति वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। 118 दिन, लगभग 4 महीने के लिए ये वक्री होंगे। 31 दिसंबर को ये फिर मार्गी होंगे। पहले ये भरणी नक्षत्र में संचरण करेंगे जिस वक्त ये वक्री होंगे, और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में ये मार्गी होंगे। 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक राहु भी बृहस्पति के साथ रहने वाले हैं, और गोचर में 4 नवंबर तक शनि भी वक्री रहेंगे। देखिए, जो बृहस्पति है उसका महत्व ज्योतिष में बहुत ज्यादा है। दूसरा, पांचवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, इन 6 भावों में बृहस्पति का कारकत्व होता है। धन संपदा, समृद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान प्राप्ति, संतान से सुख, शिक्षा, धर्म, धार्मिकता, नैतिकता, भाग्य, उच्च शिक्षा, जीवन में लाभ, नए अवसर, अध्यात्म, दानशीलता, परोपकारिता, इन सब के कारक बृहस्पति होते हैं। विस्तार, वृद्धि, क्लैरिटी, मार्गदर्शन बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति गुरु हैं, और गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा है, महान है। अब बात करते हैं परिणाम की, कि वक्री बृहस्पति सिंह वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको पुनर्अवलोकन, रेट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। सिंह वालों के लिए बृहस्पति भाग्य भाव, नवम भाव में वक्री हो रहे हैं, वहां पर इस वक्त वो गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए त्रिकोण भाव, लक्ष्मी स्थान, पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ में अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं सिंह लग्न वालों के लिए, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं सूर्य, उनके ये मित्र भी हैं। बृहस्पति नवम भाव का प्रभाव तो आपको दे रहे हैं, साथ ही में पंचम, सप्तम, नवम दृष्टियों से, पहले, तीसरे और पांचवें भाव पर दृष्टियों से भी वो प्रभाव डाल रहे हैं। ये सब प्रभाव उनका पहले से ही चल रहा है। तो अब वक्री होने के बाद नया क्या है, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वक्री ग्रह जो रहता है वो अपने से जो 12वां घर है, यानी कि अपने से पिछला भाव, उसका भी फल देने लगता है। तो बृहस्पति वक्री होने के बाद नवम भाव के साथ साथ अष्टम भाव का भी आपको फल देंगे।
अष्टम भाव के वो खुद से स्वामी भी हैं, और अपनी दृष्टियों से पहले तीसरे और पांचवें भावों पर तो प्रभाव वो डालेंगे ही। नवम भाव में बृहस्पति आपका भाग्य का साथ बढ़ाने वाले हैं। सिंह वालों को नए अवसर, गुड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आपके रुके काम बनेंगे। कोई ऐसा काम जो काफी समय से आप करने की सोच रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, उसको वक्री बृहस्पति के पीरियड के दौरान आप कर सकते हैं। लंबी यात्राएं हो सकती हैं जिनसे आपको लाभ भी होगा, लेकिन आपको पिता, गुरु, अपनों से बड़ों का सम्मान आप कर रहे हैं या नहीं, इस बात का पुनरावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन करना होगा। वहां वक्री बृहस्पति सुधार की जरूरत को दिखाते हैं। धर्म, कर्म, परोपकारिता के कार्यों से जुड़ना आपको चाहिए, तभी आपको लाभ होगा। विदेश के मामलों में भी नवम भाव में बृहस्पति आपको लाभ देंगे। शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी बृहस्पति का प्रभाव शुभ रहेगा, लेकिन आपको अपना स्टडी पैटर्न, इसको थोड़ा रिवाइज करना होगा। उसमें पुनरावलोकन की जरूरत है। कहीं आप सिर्फ आगे ही तो नहीं पढ़ते जा रहे हैं और पिछला भूलते जा रहे हैं, तो रिवीजन का ध्यान रखें और अपने गुरुओं का आपको सम्मान करना चाहिए। वक्री बृहस्पति आठवें भाव का भी फल देंगे और वो खुद से अष्टमेश भी हैं, तो जो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, तंत्र मंत्र, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, इसमें आपकी रुचि बढ़ सकती है। गुप्त विद्या के मामले में आप गहराई में जा सकते हैं। वसीयत, इनहेरिटेंस में आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन मामला जो है वो सीधा सीधा नहीं रहेगा। हो सकता है एक बार में आपको ना मिले, दो या तीन बार आपको प्रयास करना पड़े। वक्री ग्रह सीधा सीधा फल नहीं देता है, बड़े बुजुर्गों की सहायता से आपको लाभ होगा। गुप्त शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी, लेकिन गुप्त शत्रु आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के धन, मतलब ज्वाइंट एसेट में आपको लाभ होगा। आपके जीवन साथी को अचानक धन का लाभ हो सकता है। इनलाज, ससुराल पक्ष के साथ संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत को वक्री बृहस्पति बताते हैं। गुप्त कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। अष्टम भाव सिक्रेसी का होता है, तो टैक्स संबंधी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए अपने कागजात, अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक से सबमिट कर दें। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा। वक्री बृहस्पति की पांचवी दृष्टि नवम भाव से पहले भाव पर जाएगी, तो समाज में जो आपकी इमेज है वो बेहतर होगी, लेकिन अपने व्यक्तित्व, एटीट्यूड को लेकर थोड़ा ठहर कर पुनरावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत को बृहस्पति दिखाते हैं। आपको चेक करना होगा कि क्या आपका लाइफस्टाइल ठीक है, उसमें थोड़ा सुधार करें। वक्री बृहस्पति चाहते हैं कि आपको कोई अवार्ड मिल जाए, नेम फेम आपका बढ़ सकता है उनके प्रभाव से। वक्री बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर रहेगी, तो अपने कम्युनिकेशन, लिखना बोलना, आपकी जो संवाद शैली है, डॉक्यूमेंटेशन है, उस पर आप ध्यान दें, वहां पर गलती हो सकती है। मेहनत, हार्डवर्क, यात्राएं, ये सब आपका बढ़ाएंगे बृहस्पति। रिस्क लेने की अक्षमता भी आपकी बढ़ेगी। नया काम, कोई स्टार्टअप करें तो प्लानिंग के बारे में आप अच्छी तरह से डबल चेक कर लें। जोश के साथ होश भी अगर आप रखते हैं तो बृहस्पति की शुभता जरूर मिलेगी। अपने एफर्ट्स, प्रयास की दिशा के बारे में भी पुनरावलोकन करने की जरूरत है कि क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बृहस्पति की शत्रु दृष्टि है ये, जो तीसरे भाव पर जाएगी। छोटे भाई बहन, मित्रों के साथ आपको संबंधों पर ध्यान देना होगा, उनसे मतभेद बढ़ सकते हैं। उनसे रिश्ता ठीक होने पर लाभ की स्थिति भी बनेगी। वक्री बृहस्पति की नौवीं स्वग्रही दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, तो अपने किसी पैशन को, किसी हॉबी को, आपका जो कोई क्रिएटिव टैलेंट है उसको आप करियर का रूप दे सकते हैं। कोई ऐसा टैलेंट जिसको आपने पहले काफी यूज किया था लेकिन आप उसमें ज्यादा सफलता नहीं पा सके, उसको इस वक्त आप उभार सकते हैं। संतान प्राप्ति का भी योग वक्री बृहस्पति बनाएंगे। पहले से अगर संतान है तो आपको रीथिंक करना होगा कि आप क्या माता पिता की जो भूमिका है उसको आप ठीक से निभा रहे हैं या नहीं। संतान के जीवन में कुछ अच्छे इवेंट भी हो सकते हैं इस वक्री पीरियड के दौरान। शिक्षा प्राप्ति में आपको लाभ होगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आप जरूर पुनरावलोकन करें, अपने स्टडी पैटर्न के बारे में सोचें कि क्या वो ठीक है। कोई स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। प्रेम संबंध के लिए भी समय शुभ है, कोई नया आपके जीवन में आ सकता है। निवेश कार्यों में भी लाभ का समय है, लेकिन अपनी जो इंट्यूशन है उसके भरोसे आप ना चलें, एक्सपर्ट्स की राय ले लें। कुल मिलाकर सिंह वालों के लिए वक्री बृहस्पति जीवन में शुभता को तो बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपको काफी क्षेत्रों में पुनरावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। राम राम।